हैं। तो यहाँ जितने भी अलेख महिमा वाले लोग हमारे गांव के लोग मानते हैं, वो लोग यहाँ जैसे ही बाबा लोग आते हैं तो उनका सेवा करने के लिए आ जाते हैं। सही नाम नाम रखा दस दस क्षमा करो उदेश दादी खुरमा ला मनवा था कि नहीं दस में दो, दस में दो? एक। तो दो काहे बोल रहे हैं? YouTube फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अब देखिए आज कौन आया है। खीसा पहली बार मैं जैसे ही बुलाया मेरे पास तो आ गई। कुछ बोल रही है लेकिन बोल नहीं पा रही। चलिए इसके साथ थोड़ा हम लोग घूमने जाएंगे कार में। ये बहुत पसंद करती है कार बैठना और बाइक वाइक गाड़ी, तो इसी बहाने इसको घुमा लाते हैं, फिर दोबारा आएगी मेरे पास। तो क्रिसा हम लोग कार बैठेंगे ना, मेरा छोटा सा गरीब वाला, कार में बैठो और इसको BMW बना दो बैठ के। रुको मैं बैठ लेता हूँ बस। हाँ नहीं तो क्रिसा रोएगी ना मेरे को अकेले कहाँ किडनैप करके ले जा रहे हैं बोल के। कोई ना कोई होना चाहिए इसके साथ। कहाँ उसके पास जा रही है चलें क्रिसा। तो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा नीचे साइड, इधर घुमा के लाएंगे तो क्रिसा का थोड़ा मन भी बहल जाएगा। और यहाँ पे शायद ये टूट गया है ये खंभा, तो इसको जोड़ने का काम हो रहा है। बाकी निकलेंगे किधर से हम लोग, इधर से तो बनेगा नहीं, दूसरे रास्ता से हम लोग चलेंगे। अब दादी नहीं, दादी मतलब मेरी मम्मी को देख के दादी दादी बोल रही है। और दे वहाँ पे है, चलो घूमने जाएंगे ना। तो हम लोग चलेंगे ऊपर साइड, अब प्लान चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए ब्रोनी ब्रोनी बढ़ाते हैं। पीछे पीछे आ रहा है, कहाँ जा रहा है मजा? अरे ये तो पीछे पीछे जा रहा है यार, अब उधर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर कहीं जाने नहीं। चलो वापस चलते हैं, नहीं तो इसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो ये पीछे पीछे। और क्रिसा तो बहुत खुश हो जा रही है, पीछे पीछे मत हो। उसको अंदर करते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे घूमने। चल दिया, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे नहीं तो फिर मिमी मिमी स्टार्ट हो जाएगा, फिर रोएगी। देखिए मिमी कर रही है। तो चलिए हम लोग आज ईश्वर लोग के घर जा रहे हैं, नया नया घर बना है उनका, मतलब बना तो था पहले, बाकी फिनिशिंग वगैरह नहीं हो पाया था, तो फाइनली फिनिशिंग वगैरह सब हो के लोग शिफ्ट भी हो गए पुराना घर को छोड़ के। तो क्रिसा भी घूमेगी इसी बहाने और पहुंच भी गए, बाकी यहाँ तो बंद है। जी बा नहीं है शायद, कोई घर में खेत तरफ गए होंगे। वापस घर की ओर मुड़ रहा हूँ क्योंकि ज्यादा दूर जाएंगे तो रोएगी ये। अभी हम लोग जिनके घर जा रहे थे वो बड़े पापा यहाँ पे ट्रैक्टर में जा रहे हैं खेत तरफ, जैसे कि मैंने बताया था सुबह सुबह सब अभी खेती किसानी के लिए निकल रहे हैं। क्रिसा यहाँ छुप के चुपचाप बैठ गई है, देखी ए इधर 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 मिमी कर रही है। चलिए पहुंच गए घर और सही समय में पहुंचे हैं क्योंकि मिमी मिमी बोलना ज्यादा ही स्टार्ट कर दी थी, अच्छा हुआ नहीं रोई। आओ। और गाइस उस दिन जो हमारे बाबा लोग आए थे वो लोग अभी कुछ दिन के लिए रुके हैं, तो यहाँ जितने भी अलेख महिमा वाले लोग हमारे गांव के लोग मानते हैं, वो लोग यहाँ जैसे ही बाबा लोग आते हैं तो उनका सेवा करने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, मतलब जो लोग अलेख भगवान को मानते हैं वो लोग अपना ड्रेस अलग, ड्रेस कोड उनका अलग रहता है गेरुआ रंग का। तो यहाँ देखिए जो काम कर रहे हैं वो हमारे बटरा कछार के खुटिया जी हैं, और ये भी ये शायद बाबा लोग के साथ रहते हैं। तो साफ सफाई चल रहा है, सभी लोग मतलब मिलजुल के काम करते हैं गांव में, जितने लोग भी अलेख भगवान को मानते हैं, अलेख महिमा वाला जो जो मानते हैं वो लोग। दादी बढ़िया बढ़िया की ताओ खेती बाड़ी रा तुम्हार होला नी करण हो अले अलेख महिमा का सही नाम नाम रखा दस दस क्षमा करो उदेश शरण हो अलेख बस मदन बाबा कर जे हेरा जे छ शुगर उगर कंट्रोल रोची। तो गाइस हमारे जो मदन बाबा उस दिन आपको दिखाया था वो यहाँ रहते हैं,
और हमारे जो बक्कल वाले बाबा हैं, बोकड़ी बाबा जिसको बोलते हैं हम लोग, वो यहाँ रहते हैं। बाकी जितने भी उनके सेवा वेवा करने वाले सब यहाँ बगल में रहते हैं, बगल में सोते हैं। तो अभी तो साफ सफाई चल रहा है। जा लेस खाऊं जी बोल रही है, खाएगी लेस? अच्छा लेस तो हम लोग लाए हैं। झरना लो पेड़ा खा दो, चलो। झरना तुम्हारे पास क्रिसाती है क्या? हाँ। मत आना ना, ऐसे ही बुलाना, जबरदस्ती मत पकड़ना। नहीं आई। रुको खड़े करो, वैसे नहीं वैसे नहीं, रखो ना रखो ना। हाँ अब बुलाओ, रुको। अच्छा आ जाती है आजकल, जान जा रही है क्या? घुमाने बोल रही है, गाड़ी को आगे बढ़ाओ बोल रही है, अपना गियर लगाती है ऐसे 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 करके कि गाड़ी को आगे बढ़ाया जाए। अभी शाम के 6 बजे हो रहे, अभी हम लोग जा रहे हैं एक जगह रथ देखने। वो जगह ऐसा है कि वहाँ मतलब कुछ कुछ दो तीन जगह ऐसा है जहाँ बहुत भीड़ रहता है, पूरा मेला टाइप का, तो झूला वूला सब आता है। तो फिलहाल तो मैं अपना दुकानदारी निपटा के जल्दी जल्दी से आ गया अभी, तो बाकी लोग भी सारे लोग यहाँ आ चुके हैं, हमारे अरुण भैया, रवीन, रवीन लोग सब रेडी हो गए कि चले चले। रवीन जी क्या काम है यार, भूल आ गया हूँ क्या काम है? तिलेजोर। तिलेजोर मछली पारी से कितना दूर? 5 किलोमीटर आगे है। गाइस फाइनली पहुंच गए, अब चलते हैं। यहाँ का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और नीचे 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 काफ़ी लंबा गया है, तो हम लोग जाएंगे इधर से और इधर से नज़ारा दिखाते हुए आपको लेके चलूँगा। रवीन जी धीरे धीरे चलिए ना, काहे इतना जोर से भाग रहे? धीरे तो मैं चल रहा हूँ लेकिन आप मैं चार धीरे चल रहे तो क्या करूँगा। तो यहाँ देखिए रोल वगैरह हर चीज़ मिलेगा आपको खाने के लिए, और यहाँ भी रोल और पान वान की छोटी छोटी दुकानें से लेकर सब चीज़ है, और मनिहारी सामान गांव देहात में खासकर मनिहारी सामान देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा, और गांव देहात में ज़्यादातर यही सब खरीदारी होता है, टिकली फुंदरी जो देहाती भाषा में बोलते हैं। यहाँ पान वान खाएंगे भैया, मीठा खाएंगे, हाँ ना पहले घूम लेते हैं। और इधर चलिए आपको यहाँ का नज़ारा थोड़ा दिखाते हैं, और यहाँ मिठाई की दुकान है। जलेबी कैसे किलो है भैया? 120। ठीक है लेंगे जाते टाइम। और यहाँ गुपचुप की दुकान, जलेबी गुपचुप मनिहारी, बस ये चीज़। और खुरमा मतलब आपका मिठाई में खुरमा और जलेबी फेमस है। और यहाँ देखिए गुब्बारा वगैरह, बस इतना ही मिलता है गांव देहात में। तो भिंडी कैसे किलो है पूछो तो? भिंडी कैसे किलो है? 80। टमाटर कैसे है अभी? 500 रुपये किलो है अभी, छोड़ो उसको, उसका भाव बढ़ गया है। और यहाँ चाट वाट है, सब चीज़ है। आकाश चाट भंडार क्या वाला है? जलेबी। अरे वाह, कैसे किलो है भैया? हाँ। ठीक आते हैं। खुरमा हमारे रथ में बहुत फेमस होता है, और रविंद्र जी का हमारा फेवरेट है खुरमा। खाएगा तो खरीदूंगा बता, 1 किलो मेरे साइड से फ्री। नहीं नहीं चलो नहीं खाएगा। दादी खुरमाला मनवा था कि नहीं? खुरमा नहीं सका, बाकी खात रहे तोर जमाना में, खात रहे। कौन गांव कर हुआ? हाँ ठीक। गाइस हम लोग जिस जगह में आए हैं उस जगह का नाम चंदागढ़ है, ये तमता से थोड़ा सा आगे लगभग, भैया ये कितना तमता से कितना किलोमीटर होगा? तमता से लगभग 2 किलोमीटर आगे है, और इस रास्ता से होके आप सीधा निकल सकते हैं जसपुर, है ना? शेखरपुरी इधर से तो होके जाए, इधर से ही जाते हैं। यहाँ काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा मतलब 2-3 एरिया ही ऐसा है जहाँ बहुत ज़्यादा मेला टाइप का भीड़ लगता है। एक पंसुआ करके है, एक ये और एक जगह और है उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सस्कोबा में, उसमें भी ऐसे मेला टाइप का लगता है। तो वहाँ देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो वहाँ भी आपको लेके चलूंगा। और बाकी यहाँ का देखिए कितने सारे लोग आए हुए हैं, चारों तरफ से आपको मेला टाइप का लगेगा पूरा, और लाइट गोल हो गया। तो पंसुआ की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तो झूला वगैरह भी आता है, तो वहाँ देखते हैं समय निकालेंगे जाने का कोशिश करेंगे, वहाँ कभी नहीं हुआ है। यहाँ पे काफी बड़ा पानी टंकी है, चलिए इसके ऊपर चढ़ के आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। रविंद्र आओ जाएंगे, और यहाँ लोग कुछ लोग बैठे भी हुए हैं, देखना तो बाबू
चलिए हमारे गांव में जो चंचल लोग के घर साइड जितना बड़ा टंकी है ये लगभग उतना ही बड़ा है, बाकी वहां का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो चुका है। यहां ये जो रगा है रैली वगैरह ये टूट चुका है यहां वहां का, और यहां भी टूट चुका है, तो यहां इससे ऊपर और नहीं चढ़ेंगे। यहां से थोड़ा आपको यहां का नज़ारा दिखाता हूं। गाइस देखिए ये जो चल रहा है ये मेन रोड है, और यहां से ऐसे लगा है, यहां से थोड़ा छुप गया है सीढ़ी है इसलिए यहां तक। ऊपर चलते हैं, मेरे को डर लगता है यार ज़्यादा ऊंचाई से। देखिए गाइस यहां से ऐसे लंबा चौड़ा छुप गया है थोड़ा, यहां से ऐसे देखिए वहां तक, और ये रोड ऐसे गया है, मेन रोड है ये। चलिए रविंद्र जी अब मेरा सांस फूल रहा है, इससे ऊपर मैं नहीं चढ़ूंगा। उतरते हैं नीचे फटाफट से, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरा है ना, यहाँ अभी रात वात का भी समय है। तो देखिए तिरपाल वगैरह अपना जुगाड़ बना के रखे हैं ताकि पानी वानी आए तो थोड़ा बहुत तो बचत हो जाए, और जैसे ज़्यादा बारिश होगा तो फिर अपना दूसरा जुगाड़, फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे। अब ऐसा है कि कई लोग तो मतलब साइकिल में भी आ जाते हैं, कई लोग पैदल भी आ जाते हैं, जिसके पास फोर व्हीलर है फोर व्हीलर लेके आते हैं। तो अपना साज बाज पूरा जुगाड़ यहाँ पे रखे हैं, जैसे ही कुछ होता है अपना खतरा लगेगा तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। चलिए अब हम लोग चाट खाने आ गए हैं यहाँ पे, तो हमारा चाट भी यहाँ बनने के लिए रेडी है। इसको क्या चाट बोलते हैं भैया? गुजिया चाट। गुजिया ना, गुजिया चाट ट्राई करेंगे। और इनके पास गुपचुप वगैरह सब चीज़ है। रविंद जी खाए हो इससे पहले गुजिया चाट? नहीं खाया हूँ जी, फर्स्ट टाइम है। चलो खाते हैं आज। तो इसके ऊपर डाला जाता है, देखिए समोसा नहीं रखे हैं भैया ना? भैया समोसा वाला नहीं रखे हैं? गुजिया चाट मेरे पास मिलेगा। ठीक है, चलिए फाइनली बन के रेडी हो गया हमारा दही गुजिया चाट। और रविंद तो दही नहीं खाऊंगा बोला, तो इसका प्लेन वाला है। रविंद जी आप बचपन से नहीं खाते हो क्या दही? खाता हूँ लेकिन आज नहीं खा रहे हैं। बाकी आज नहीं। चलिए टेस्ट कैसे लगेगा बताना, ठीक है? चलो एक लीम वाला खाओ तो ठीक है। ठीक है, इसको कितना स्टार देंगे आप आकाश चाट भंडार को? इसको तो 5 स्टार देंगे। 5 में 5? 5 में 5। चलिए ठीक। 10 में 2। 10 में 2? 1। तो 2 काहे बोल रहे हैं? ए फुग्गा लाला फुग्गा, 10 में 10 में 10 में 2 बोला था अभी, झूठ मत बोल। दे दोगे? दे दोगे 10 में 2? पैसा है तो नहीं लेंगे यार, बेचो। कहाँ से हो बाबू, कहाँ से हो? हैं? बस्ती से हैं। हाँ चलो ठीक है, बढ़िया से बेचो ना। ये सब मैं सीधे घर आ गया, और घर के लिए जलेबी और सेव लाया हूँ, मम्मी बोली थी लाने। और जैसे ही घर आया ब्रोनी को देखिए कैसे बैठ जा रहा है, वो जान गया कि मैं उसके लिए खाने लाया हूँ। तो फिलहाल ब्रोनी को खिलाएंगे, और काफ़ी रात भी हो गया, तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर लीजिएगा लाइक, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ले यार तू खा ले, बैठ 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 बैठ, पहले बैठ। चल।